हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं कि छोटे डॉग्स को क्या खाना दें। छोटे डॉग्स माने पपीज। जैसे कि आप किसी केनल से एक डॉग ले आए, उसके बाद से फिर क्या खाना देना है पता नहीं। केनल वाले ने कुछ बताया कि आप फलाना कंपनी का बहुत नामी होता है, वो डॉग फूड खिलाइए तो आपका डॉग बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने वो उसी डॉग फूड को खरीद के खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद या एक दो दिन बाद आपको पता चला कि वो डॉग जो है अचानक से काफ़ी पतला पैखाना कर रहा है। उसके बाद फिर आपने फिर वो केनल वाले से कॉन्टैक्ट किया, जैसा जल्दी होता है वेटरनरी डॉक्टर को अभी कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, बताया कि आपने दिया था, देखिए आपके आपके सामान में ऐसा आ रहा है। तो केनल वाले कुछ दवा बता देते हैं, आप दवा भी देते हैं तो उल्टी करने लगता है, फिर जो है उल्टी करने लगता है तो फिर आप पूछते हैं कि भाई देखिए आप तो खाना भी नहीं खा रहा है, उल्टी भी कर रहा है और पैखाना भी पतला दस्त भी कर रहा है, ऐसे में डॉग्स को क्या किया जाए, ज़रूर आपने बीमार डॉग दे दिया। तो आप केनल वाले को दोष देते हैं, केनल वाले अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी डॉक्टर का नाम दे देते हैं और फिर आप उस चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर आप एक विशेष साइकिल में पड़ जाते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाएं कि केनल वाले को वापस कर दे, आप वापस भी करने जाते हैं काफ़ी सारे डॉग ओनर, बोले भैया आपने बीमार डॉग दे दिया, आप इसको ले लो तो वापस ले लो, तो लेकिन वो भी बोलता कि मैं नहीं लूँगा। इसी बीच में क्या होता है कि आपके पति पत्नी बच्चे या फिर आप खुद जो है उस डॉग से अटैच हो जाते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह से उस डॉग को बचाया जाए, लेकिन आप करें तो क्या करें, आपके पास तो जानकारी है नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आप बड़ा ही घबरा जाते हैं और काफ़ी सारे पेट ओनर्स का इसी दौरान काफ़ी सारा पैसा और लग जाता है। जैसे समझिए आपने अगर 15,000 में डॉग खरीदा तो पता चला 15,000 और उसके इलाज में 4-5 दिनों में ही लग गया। तो आज मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिससे कि आप इस तरह की परेशानियों से बच सकें। तो डॉग्स के लिए अच्छा, तो मैं जो बता रहा था इस घटना में क्या होता है, कल्प्रिट होता है जो आपने शुरू में जो फूड लिया था वही है इस विशेष साइकिल का जड़। फूड जो है बहुत ही अहम चीज़ है एक पपी के लिए या किसी भी आदमी के लिए, आप जानवर के लिए। तो आपने चूंकि फूड गलत चुना था इसीलिए परिणाम आपको भुगतना पड़ा। खैर जो भी हुआ, तो अभी बात करते हैं कि डॉग्स को क्या फूड देना चाहिए जो न्यूली बॉर्न पपी हुए, न्यूली ब्रॉड पपी या बॉर्न पपी तो आपको मिलने वाला नहीं है, आपने केनल से लाया, 45 दिन या 2 महीने के एज होगा उनका और उसको आपको क्या खिलाना है। तो आप मेरी सलाह ये होगी, आप ऐसे डॉगीज को, ऐसे पप्स को कम से कम जब तक वो 3 से 4 महीने ना हो जाए उन्हें स्टार्टर फीड ही खिलाएं। 3-3.5 महीने तक स्टार्टर फीड खिलाएं किसी अच्छे कंपनी का, तो किबल्स होता है दाना। होम फूड खिलाने का एक्सपेरिमेंट अभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर होम फूड में एक्सपेरिमेंट किए तब उन पर क्या रिएक्शन होगा कहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा डॉग्स का इम्यूनिटी हो जाए, 1-2 वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे होम फूड में शिफ्ट कीजिए, शुरू में बिल्कुल नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट कर लीजिए या सजेशन कर लीजिए वो है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डॉग्स को मरते हुए देखा है जस्ट ड्यू टू रॉन्ग फीडिंग, गलत खाना दे के उनकी डेथ हो गई है। लोग इसे गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं कि अरे पार्वो हो गया, ये हो गया, जबकि पार्वो वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, वो रॉन्ग खाना के, गलत खाना के चक्कर में पड़ गया। तो भाई सही खाना क्या है, सही खाना क्या दे सकते हैं डॉग को? तो जैसे मैंने बताया कि आप इस वक्त जो है जो छोटे पपीज को स्टार्टर फीड ही देंगे, तो फिर बात आएगी कौन से कंपनी की। काफ़ी सारे कंपनी है, एक तो आपके केनल वाले ने सजेस्ट किया, कुछ आपके दोस्त सजेस्ट करेंगे, आप कहाँ जाएं? तो मैं बताऊंगा सबसे पॉपुलर जो है वो है रॉयल कैनिन। रॉयल कैनिन फीड है और पेडिग्री, ये दोनों हैं काफ़ी सारे बहुत ही पॉपुलर, ये आसानी से आपको स्टोर्स में मिल भी जाएंगे। तो फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट आप इसी रॉयल कैनिन या पेडिग्री से ट्राई करें। आपका डॉग अगर खा लेता है स्टार्टर फीड को, कोई
तो छोटा पैक लें और छोटा पैक लेके देखें, एक दो दिन में अगर खा लेता है, किसी तरह का दुर्घटना नहीं होता है, पेट खराब नहीं होता है, उल्टी नहीं करता है, डॉग ठीक से खा रहा होता है उसको, तो फिर आप इसी खाने को, इसी फूड को कंटिन्यू करें। लेकिन कभी कभी होता है उल्टा, आपने खाना देना शुरू किया कि बस शाम होते होते वो उल्टियाँ करने लगता है या फिर पतला पैखाना होने लगता है, तब बजाय इसके कि आप किसी कोई दवा तलाशने जाएं, आपको ये समझना होगा कि वो खाना को डॉग एक्सेप्ट नहीं कर पाया या उसे एलर्जी है। उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिसको वो इंडिविजुअल डॉग उसे सह नहीं पा रहा है। ये उस इंडिविजुअल डॉग की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सभी को अनएक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी किसी को किसी किसी तत्व में एलर्जी होता है। जैसे आदमी को भी होता है ना, वो किसी तरह, किसी को समझिए कि चना खाने से गैस हो जाता है, किसी को बादाम खाने से गैस हो जाता है, ठीक उसी तरह से डॉग को भी किसी किसी आ, आ, खाने पर एलर्जी होता है। अगर ऐसा हुआ आपके डॉग के साथ, तो मेरी सलाह होगी कि आप पहले जाएं किसी हाइपो एलर्जेनिक फूड में। हाइपो एलर्जेनिक फूड मतलब जो जिसमें एलर्जी नहीं होता है, वैसा एक फूड का नाम मैं बताना चाहूँगा, वो है आर्डन ग्रांच का है, वो हाइपो एलर्जेनिक वीनिंग पपी डाइट, मतलब दूध छुड़ाने का समय में है, जब आप दूध छुड़ा रहे हैं, उसे लिक्विड कुछ दे रहे हैं और साथ में कुछ दिन के बाद आप सॉलिड फूड स्टार्ट करने ही वाले हैं, लिक्विड से सॉलिड जब स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने 2 से 3 महीने के अंतर में जब रहेंगे तब ये फूड दिया था। ये हाइपो एलर्जेनिक है। क्यों हाइपो एलर्जेनिक है? हाइपो एलर्जेनिक इसलिए है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है नेचुरल है। ये यूके में काफ़ी पॉपुलर है, आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो है ये अगर आप खिला के देख सकते हैं एक दो दिन, अगर इसमें सह लिया तो बहुत ही बढ़िया। साथ में इस खाने में जो है प्रोबायोटिक मिला हुआ है, प्रोबायोटिक विटामिन, उसके जॉइंट्स के जो कहते हैं ना, जॉइंट्स में मोबिलिटी लाने के लिए जो जॉइंट्स सप्लीमेंट होते हैं वो भी मिला हुआ है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन फूड है ये, तो ये फूड आप दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी महंगी है। तो आप, मेरी सलाह होगी कि आप इस फूड को 10-15 दिन 1 महीने दें, उसके बाद सस्ते वाले कोई फूड में शिफ्ट कर जाए। सस्ते वाले शिफ्ट फूड जैसे आपको जूस का भी है, जूस का काफ़ी सारा रेंज आता है, जिसमें आप कोई भी आप दे सकते हैं, किसी दुकानदार से बोलिएगा मुझे जूस का स्टार्टर चाहिए, तो फोकस स्टार्टर या इस तरह का कुछ दे सकता है वो। फिर पेडिग्री भी दे सकते हैं, बैक टू पे पेडिग्री भी दे सकते हैं या रॉयल कैनिन, लेकिन रॉयल कैनिन से अगर एलर्जी शो किया है पहले हुए तो उसे फिर से दोहराना नहीं है, फिर वो दूसरे किसी और ब्रांड में जाना है। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप आर्डन ग्रांच के फूड में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी महंगी है, बट रॉयल कैनिन से कम दाम है। तो ये हो गया आपको उसका, उसके एक ऑप्शंस। अब है कि इसके अलावे भी कुछ फूड हैं जो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, जो स्टार्टर फूड में अच्छा खासा नाम है उन लोगों का, जैसे हिल्स का है या फिर और भी काफ़ी सारे कंपनी आ गए हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे आप बाज़ार में जाएंगे तो, लेकिन सभी काफ़ी महंगे महंगे हैं। तो इस तरह के फूड में आप, तो आपको इस तरह का ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, आपको पहले देखना, पहले चीप से स्टार्ट कीजिए, फिर आप जो है हाइपो एलर्जेनिक फूड में जाइए, उसके बाद आप फिर अगर अपने सुविधा अनुसार कोई और सस्ती फूड में शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब कुछ कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह का पैकेट फूड एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, जिसमें वो तेल या ऑयली या किसी तरह का फूड जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको फिर होम फूड में आना पड़ेगा, लेकिन ये लास्ट चॉइस है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है आप फर्स्ट में आएंगे, ये लास्ट में आएंगे जब वो पैकेट फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा।
उसके लिए क्या करेंगे, आप घर में इस फूड को बना सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा चिकन ले लीजिए, चिकन को बारीक पीसों में काट लीजिए, काट के उसके बाद उसे चावल के साथ मिला के और सर्व करते वक्त हल्का सा नमक दे के उसे सर्व कर सकते हैं। नमक देने का है, पहले तो था कि हम लोगों को डॉग्स को नमक नहीं दिया जाता था। हम डॉक्टर भी पहले बोलते थे कि भैया जो है डॉग्स को चीनी और नमक से दूर रखिए। चीनी तो खैर दूर रखना ही है, लेकिन अभी कंसेप्ट बदल गया है कि अब वो लोग साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं दे ऑल्सो रिक्वायर मिनरल्स एज वी डू। मिनरल्स ही तो है कि सॉल्ट, तो हम लोग थोड़ी सॉल्ट दे सकते हैं एकदम माइन्यूट मात्रा में। तो इस तरह का फूड दे सकते हैं। इसके अलावा आप छेना दे सकते हैं। दूध देने को मना करते हैं ऐसे, लेकिन दूध भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट मिल्क यू कैन ट्राई, मिल्क आप जो है ट्राई दे सकते हैं, लेकिन मिल्क मैं पर्सनली भी मना करता हूँ, मैंने क्योंकि मैंने लैक्टोज इंटॉलरेंस का केस देखा हुआ है। काफ़ी सारे डॉग्स जो है वो क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है और वो जो है इन मैंने एकदम अनकंट्रोलेबल डायरिया शुरू हो जाता है। तो उस तरह की परिस्थिति आने के कारण ना ही दिया जाए तो बेहतर है, खास करके लैब्राडोर या जर्मन शेपर्ड में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बट यू कैन गिव, आप जो है दूध का प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे छेना हो गया, दही हो गया, दही चावल हो गया, इस तरह का आप दे सकते हैं। लेकिन याद रहे जैसा मैंने कहा, पहले आपको किबल में जाना है, पहले आपको पैकेट फूड में जाना है। वो अगर नहीं एक्सेप्ट किया किसी भी ब्रांड को तब इसमें जाना है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही होम फूड शुरू हो गए, वो ऐसा नहीं करना है, तो वो फिर हानिकारक होगा उसके ग्रोथ के लिए। इन सभी के अलावा एक और फूड रेंज है जिसमें और भी काफ़ी तरह इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं बॉडी ओडर, एक डॉगी ओडर होता है ना, डॉगी गंथ, डॉगी स्मेल आ रहा है, उसको भगाने का भी, उससे उसको हटाने का भी तत्व रहता है, जिसको कहते हैं, जिसमें ड्रूज में ही आता है, ड्रूज का वेट प्रो रेंज, वो अगर आप दे सकते हैं, लेकिन वो फिर वेटनरी डॉक्टर के पास ही मिलेगा, इसीलिए उस बात को रहने देते हैं। लेकिन वो भी एक हाइपोएलर्जेनिक डाइट है, उसे भी आप आजमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेटनरी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन और ये आर्डन ग्रांच का जो हाइपोएलर्जेनिक वीनिंग पपी डाइट है, इसके लिए आपको किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली अवेलेबल है स्टोर्स में, आप इजीली वहाँ से स्टोर से खरीद सकते हैं और काफ़ी पैलेटेबल भी है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ डॉग्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें तो आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं है, तो जो भी है नेचुरल है, जबकि पेडिग्री वगैरह में आर्टिफिशियल कलर वगैरह सब कुछ है। तो इसीलिए जो आप जो है अगर कोई डॉग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2-3 बार ट्रायल करेंगे तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। बस मेरे लिए मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये फूड के कारण काफ़ी सारे लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, इसलिए मैंने ये इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया, और ख़ास करके छोटे बच्चे, छोटे पपीज़ में ही ये इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, और बाकी और भी आके, अगर आपने ये वीडियो लाइक पसंद किया है तो मुझे लाइक देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी विनती है कि अगर आपके पास कोई और समस्या है जिस पर वीडियो में बात होनी है या होना चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे मुझे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे जो कि किस तरह की घटनाएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, नमस्कार।